सो मेरे भाई लोग, आपने प्रीव्यू तो देख लिया। ये जो HDR CC इफेक्ट है, मतलब HDR करके, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बंदे इसको यूज़ करते हैं। बड़े से बड़े क्रिएटर और छोटे से बड़े सभी इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा भी लगता है। और इस टाइप की वीडियो अगर आप बनाते हो तो वायरल भी काफ़ी ज़्यादा जा रही है ये टाइप की वीडियो। तो सबसे पहले हम कुछ इस टाइप का ही बनाएंगे HDR। इसमें XML वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा बना के दिखाऊंगा मेरे भाई लोगों आपको। तो फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी, मतलब आपको तो अपनी वीडियो लेनी है, मैं एग्जांपल के लिए ये वाली वीडियो ले रहा हूँ। अब देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है, सिंपल वीडियो है। जैसे मैंने सिंपली ये टेलीग्राम से डाउनलोड, टेलीग्राम नहीं भाई, मैंने ये इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखते रहो बस एक सही से। तो आपको इस वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है भाई चैनल। चैनल जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ये वाली इफेक्ट आ जाएगा जिसमें RGB लिखा हुआ है ना मेरे भाई लोगों, इसको आपको यूज़ करना है। इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग को आपको यहाँ पर यूज़ करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद देखो इसमें कुछ इस टाइप से आ जाएगा RGBA। तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़ होने नहीं है, जैसे जैसे मैं टिक करूँगा आपको भी सिंपली वैसे ही कर देना है क्लिक। तो अभी देखो यहाँ पे तो आर ही रहने देंगे, सेकंड वाली लाइन में वाई कर देंगे जी की जगह, और फिर थर्ड वाली लाइन जहाँ बी है ये भी यहीं इस पर जी कर देंगे, RYGA हो जाएगा ये यहाँ पे RYGA। अब आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा, मतलब कलरिंग जो होती है, ग्रेडिंग जो होती है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सीधा ऐसे ऐसे करते रहो, आपका बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगा। तो इसको नीचे वाले को छेड़ना नहीं, RYGA करके इसको छोड़ देना। तो अभी इसमें कुछ थोड़ा सी इफेक्ट ऐड हुआ है। अब उसके बाद आप देख ही सकते हो कुछ इफेक्ट जैसा हम लगाएंगे वैसा ऐड हो चुका है। अब उसके बाद फिर से आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और फिर से सर्च करना है आपको सैचुरेशन। तो यहाँ पे सैचुरेशन हम सर्च कर लेते हैं, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस में सैचुरेशन पर क्लिक कर देंगे। तो इसको अब यहाँ से ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ यहाँ पे हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। सैचुरेशन में प्लस माइनस आप चाहो तो कर भी सकते हो। इसमें सैचुरेशन जो होता है वो कलर ग्रेडिंग होती है, तो आप चाहो तो सैचुरेशन को बढ़ा भी सकते हो। चलो मैं यहाँ पे +20 यहाँ पे कितना भी आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत करना फिर बुरा लगेगा। तो मैं यहाँ पे +20 कर ले रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि मतलब HDR इफेक्ट जो होता है ये कैसे बनाते हैं, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसा कर लो। ये मैं एक अच्छे एवरेज लेवल का बना के बनाऊँगा यहाँ पे, ऐसा नहीं बहुत हार्ड बनाऊँगा कि धुंधला धुंधला हो जाए सब, ऐसा नहीं। बस हम एक अच्छे लेवल का बनाने वाले हैं यहाँ पे। अब इतना हो चुका है, अब इसके बाद आपको करना है एक राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, उसको फुल लेयर में कर देना है, फिर कलर एंड फिल पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कलर चूज़ करना है मेरे भाई लोगों, स्काई ब्लू यहाँ पे कलर चूज़ कर लेना है। और स्काई ब्लू कलर चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंड इस पर लेयर पर क्लिक करना है, राउंडेड रेक्टेंगल जो हमने सेलेक्ट की, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको करना है डिफरेंस में जाना है, ये रहा भाई डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद आपको सब कंट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है, सब ट्रैक्ट है भाई जो भी है भाई, आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है ये जो है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो ये कुछ लाल लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा वीडियो। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसी राउंडेड रेक्टेंगल, इतना हो चुका है, अब आपको दोबारा से यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है, राउंडेड इस बार हमें राउंडेड रेक्टेंगल पर क्लिक करके जब जाना है भाई इफेक्ट पे, वो रेक्टेंगल में हमको इफेक्ट ऐड करने। तो सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे और सर्च करेंगे कॉपी। तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई, देखो भाई शायद से यार लैग होने लगा है। और जो लोग बोलते हैं कि भाई अलाइट मोशन आपका लैग नहीं होता क्या, देख लो भाई अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो परेशान कर रहा है, लैग हो रहा है। चलो कर लेते हैं जैसे भी, लैग भाई सभी को होता है, ऐसा नहीं भाई बड़ा रैम हो, मेरा भी 6 GB रैम है लेकिन फिर भी लैग कर रहा है देख लो। अब उसके बाद कॉपी बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना। अब उसके बाद आपको दोबारा से राउंडेड रेक्टेंगल के लेयर पर क्लिक करना है और इसमें आपको भाई सर्च करना है गॉसियन ब्लर यहाँ पर सर्च करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे। एक एक चीज़ आपको भाई स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो टेंशन मत लेना, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो गॉसियन ब्लर पर यहाँ पर सर्च कर लेते हैं GAU, देख लो भाई मेरा भी हो रहा है यहाँ पे हैंग। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है गॉसियन ब्लर को, और इसको यहाँ पे जैसे आप स्टैंडर्ड सेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, गॉसियन ब्लर को ओपन कर लेते हैं और इसको 400 से 500 के बीच में रख लेना। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो 300 हो गया ये मेरा, चलो 400 से 500 के बीच में रख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग 400 से 500 ही रखना, और ज़्यादा छेड़खानी मत करना फिर यार आपका ख़राब हो जाएगा। बोलोगे कि भाई कैसा बताया, खुद ने बना लिया और हमें, हमारा तो जैसा खुद ने बनाया ऐसा नहीं बना, ऐसा मत कहो यार, ऐसा मत कहना, मैं कहो नहीं कह रहा। उसके बाद आपको दोबारा इफेक्ट में जाना है उसी राउंडेड रेक्टेंगल पर, और इस बार आपको सर्च करना है एक्सपोजर एंड गामा, ये रहा भाई ये आ गया। उसके बाद अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग सेलेक्ट करना है, क्रिस्पी नहीं करना। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे माइनस करेंगे पहले तो भाई एक्सपोजर को जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0.0 है भी तो यहाँ पे कर देंगे 0.60 माइनस में भाई माइनस का 0.60, तो यहाँ पे 60 कर लेते हैं, 50 60 तक कर लेना, 70 तक उससे ज़्यादा मत करना। मैं कह रहा हूँ भाई जो नए नए बना रहे हैं इफेक्ट को तो भाई ऐसे ही कर सकते हो आप सिंपली। अगर आपको यह लाइट मोशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा, ये विदाउट वाटरमार्क प्रीमियम वर्जन है। उसके बाद आपको यहाँ पे गामा को सेलेक्ट करना है और गामा को आपको प्लस करना है थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे 1.00 लिख रहा है ना, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है भाई। ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ चलो, अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पे इसको प्लस करके कर लेना 0.50, जीरो मतलब प्लस नहीं, साइड में कर लेना, इसमें माइनस में नहीं है, ये माइनस में नहीं जाना आपको, पॉजिटिव में ही 0.900 कर लेना, 950 जितना आपका मन हो इतना कर लेना। चलो मैं यहाँ पे 950 कर ले रहा हूँ, 900 से 1000 के बीच में आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहो तो ऑफसेट को भी यहाँ पे घटा सकते हो, ऑफसेट को थोड़ा सा -2 कर देंगे, इससे ही तो कलर ग्रेडिंग होगी भाई सही से, तो -2 कर लेना, -6 कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे -6 कर लिया है। अब देखो फाइनली अपना कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है इफेक्ट, और अब देखो आपको एक और राउंडेड रेक्टेंगल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यह है विदाउट इफेक्ट वीडियो और यह है भाई इफेक्ट, भाई एक मिनट। हाँ देखो यह है इफेक्ट की, ये लैग हो रहा है थोड़ा सा मेरा लाइट मोशन, आज ही पता नहीं क्यों कर रहा है, वैसे तो नहीं करता है भाई, कभी कभी वो कर जाता है बीच में। अब फिर से आपको एक राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे पूरा बढ़ा देना है, मतलब कि पूरा इंक्रीज कर देना है भाई लोगों। और राउंडेड रेक्टेंगल का कलर इस वाले का आपको वाइट करना है, और फिर करना है आपको भाई यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो बिल्कुल भाई एक एक टिक करके बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लो। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्स्ट्रेट पर क्लिक करके कंट्रास्ट पर क्लिक करके पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ओवरले पर, तो आप देख ही सकते हो ओवरले पर जैसे आप क्लिक करोगे भाई, देखो यहाँ पे इफेक्ट आपका फाइनली बन के तैयार है। और इसको भी जरा लास्ट तक कर देते हैं। अब आप देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से और ऐड हो चुका है ये। अब देखो इस वीडियो में कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जो भाई मतलब इसमें क्रिएटर हैं जो भी हैं इनका नाम मुझे नहीं पता, बाकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं ये, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है। तो इनका अभी देखो ये जो वीडियो है ये है इफेक्ट का और ये है विदाउट इफेक्ट, तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है। और इनके कलर मतलब कि जो इन्होंने पहने हुए हैं कपड़े, ड्रेस जो है इनका कलर भी कुछ इस टाइप का है, तो ये थोड़ा एकदम हार्ड नहीं लग रहा है, आप जब इसको यूज़ करोगे तो हार्ड लगेगा। उसके बाद दोनों लेयर को सिलेक्ट करके लास्ट तक कर देना, यानी कि ये इफेक्ट अब जो है लास्ट तक लग जाएगा भाई लोगों। तो यहाँ पे लास्ट तक लग चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना। आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियो बनी है, इतने भाई एक्सपोर्ट हो रही है, शुरू से लेकर अब तक नहीं बोल रहा, अब बोल रहा हूँ। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बताना कैसी लगी और कमेंट में बताना। वैसे यार मैं शायरी एटीट्यूड जो भी मतलब शायरी से रिलेटेड मैं लिरिक्स वीडियो लेकर आता हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने ये क्यों बना दी, क्योंकि बंदों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अगर इस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं भाई, 3-4 हज़ार तक चले जाते हैं दो ढाई तीन दिन में, तो मैं और ऐसे इफेक्ट से रिलेटेड वीडियो ले आऊँगा। XML आपको अगर इसका चाहिए तो अभी नहीं दूंगा भाई, दो दिन बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में XML दे दूंगा, या ना भी दूं, XML की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आपको बनाना आना चाहिए तो आप ऐसी मतलब कर लेना। अब देखो ये यहाँ पे हो चुकी है तैयार वीडियो, इसको मैंने सेव भी कर लिया, यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कैसी लग रही है। एकदम अमेजिंग वीडियो लग रही है, आप इसको और भी मतलब आप अपने वीडियो पे लगा सकते हो। तो बाकी मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अर्ली अपडेट मिलते हैं और सारे प्रीमियम वर्जन दे दूंगा, एडिटिंग से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन वहाँ पे नीड होती है भाई।